अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं हूँ फैसल शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल फैसल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ और इस वीडियो में मैं आपको किसी भी फोल्डर को हाइड करने का तरीका बताऊँगा। दोस्तों, फोल्डर को हाइड करने का तरीका बताऊँगा विदाउट एनी ऐप, किसी भी ऐप के बग़ैर आपको फोल्डर को हाइड करने का तरीका बताऊँगा। बहुत ही आसान तरीका है वो, चलिए आपको वीडियो में बताता हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक कर दें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने माई फाइल में जाना है और यहाँ से एसडी कार्ड या डिवाइस स्टोरेज जिसमें चले जाएँ, मैं डिवाइस स्टोरेज में जाता हूँ और यहाँ पर मेरे पास ये है HC फेसबुक वीडियोज़। तो ये मेरे पास एक फोल्डर है HC वीडियोज़ फेसबुक वीडियोज़, तो आपने इसको ओपन कर लेना है। तो ये मैं ओपन कर लेता हूँ। मेरे पास ये कुछ वीडियोज़ इसमें पड़ी हैं, तो मैं अब इनको हाइड करना चाहता हूँ। तो हाइड करने का तरीका अभी मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही आसान तरीका है, किसी भी ऐप के बग़ैर आप इसको हाइड कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी शो नहीं होगी। तो अब आपने इसको इस पर क्लिक किए, आपने इसको होल्ड किए रखना है इस पर एक बार। अब आपने इसको रीनेम करना है। रीनेम पे जाने के बाद इसके स्टार्ट में आपने ये डॉट है ये डाल देना है, बस ये आपने बस काम करना है और आपका फोल्डर हाइड हो जाएगा। डॉट डालने के बाद आपने आपको करना है, तो ये देखिए मेरा फोल्डर हाइड हो चुका है। दोस्तों, अब यहाँ से ढूंढ लीजिए, मेरा फोल्डर यहाँ पर शो ही नहीं हो रहा है, इसी वीडियोज़ फेसबुक वीडियोज़। तो देखिए दोस्तों, कहाँ गया वो फोल्डर। अब आप सोच रहे होंगे कि आप इसको शो कैसे करना है, तो शो करने का भी आसान सा तरीका है, चलिए वो भी आपको बता देता हूँ। पहले सबसे पहले मैं आपको फेसबुक में MX प्ले में जाकर दिखाता हूँ कि वो फोल्डर यहाँ पर शो हो रहा है या नहीं। तो अब आप उस फोल्डर को दो तरीक़ों से शो कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी वो फोल्डर शो नहीं हो रहा। तो अब इसको शो करने के दो तरीके हैं, यहाँ पर MX प्ले में भी आप उसको शो कर सकते हैं और माई फाइल में भी शो कर सकते हैं। MX प्लेयर में शो करने का तरीका, आपने यहाँ पर तीन डॉट्स पे क्लिक करना है और सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद ये जो फर्स्ट वाला फोल्डर है लिस्ट, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। लिस्ट पे जाने के बाद आपने एंड पे आना है। ये जो है शो हाइडन फाइल्स एंड फोल्डर्स, शो हाइडन फोल्डर एंड फाइल्स वाइल स्टार्टिंग विद डॉट, तो अब आपने इसको क्लिक कर देना है। बैक आना है, एक बार यहाँ से इसको रिफ्रेश करना है, तो अभी आपको ये फोल्डर शो हो जाएगा। तो ये देखिए ये आ गया है .hc फेसबुक वीडियोज। तो देखिए दोस्तों, ये अभी ये फोल्डर शो हो चुका है। अब आप इसको हाइड भी कर सकते हैं। तो हाइड करने फिर यही काम है, आपने करना है लिस्ट पे जाना है और इसको टिक हटा देनी है। अब ये फिर से हाइड हो जाएगी। तो जैसे हाइड हो चुकी है। अब आपने माई फाइल में शो करने का तरीका आपको बताता हूँ। यहाँ पे जाना है आपने और ये जो तीन डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं इन पे क्लिक करना है। सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर शो हाइड इन फाइल्स, तो आपने यहाँ से इसको ऑन कर देना है। यहाँ से भी आप इसको शो कर सकते हैं। तो किधर, तो ये देखिए ये आ चुका है .hc फेसबुक वीडियोज़। तो इस तरह दोस्तों, आप फेसबुक की किसी भी फोल्डर को ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताया करें कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।